नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। समेजा कोठी ग्राम पंचायत में जनता जल योजना में चल रहे वाटरवर्क्स के निर्माण को लेकर जल विभाग के एएन को बनाया ग्रामीण निबंधक। राजस्थान नगर में ग्राम पंचायत समेजा कोठी ग्राम पंचायत में चल रहे जनता जल योजना के वाटरवर्क्स के निर्माण को लेकर घटिया निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्य में देरी होने के चलते जलदाय विभाग के एएन बलविंदर सिंह को बनाया ग्रामीणों ने वाटरवर्क्स की डिग्गी में बंधक। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण सामग्री में घटिया निर्माण सामग्री एवं कार्य में देरी के चलते गांव को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। वो ठेकेदार जानबूझकर घटिया निर्माण सामग्री लगा रहा है और कार्य में देरी कर रहा है, क्योंकि IGNP नहर में पानी की बंदी 3 दिन बाद ही बंदी है, तो पानी का स्टोरेज डिग्गिया नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहा और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक दौलत नायक, महिला कांग्रेस सेवा दल गोगा देवी, सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा, पूर्व सरपंच हेतराम एवं पंचायत समिति डायरेक्टर प्रतिनिधि निमीलाल मेघवाल आदि लोग मौजूद रहे। आईसी नगर के समेजा ग्राम पंचायत में आज ग्रामीणों ने यहां पर धरना प्रदर्शन कर और डिग्गी की जो वर्तमान हालत है उसके बारे में अवगत कराया। ये 60 लाख किलोमीटर की डिग्गी है, करीबन 3 महीने से काम चल रहा है इसका, और आगे जो पेयजल की समस्या आ रही है इसको लेके राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि पानी का स्टोरेज करें, और यहाँ हालत ये है कि 3-4 डिग्गियाँ जो है यहाँ पे वो तोड़ रखी है और इसका निर्माण कार्य पिछले 4 माह से चल रहा है। ठेकेदार द्वारा 2 या 3 आदमी लगाकर इसे बहुत ही धीमी गति से काम किया जा रहा है। आगे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या आ जाएगी, इसको लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया। रोष प्रकट कर हम सब को यहाँ पर बंधक बना के रखा है कि ठेकेदार जो है वो यहाँ न तो आ रहा है और न ही कोई उच्च अधिकारी आ रहे हैं, और उच्च अधिकारी को आने के बाद में कोई बातचीत होगी तभी कोई आगे निर्णय लिया जाएगा। तब तक हम सभी बंधक हैं।